तो इनइक्वालिटी में सबसे चीज दो तीन चीजें क्या होती है कि पहली बात तो सर सिंबल्स होते हैं, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं इस तरीके के, एक सेकंड कहाँ पे गया ये, बहुत सारे सिंबल होते हैं लाइक ये क्या है, सिंबल्स होते हैं लाइक ग्रेटर लेस, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू और नॉट टू। बट पहली बात तो इन सभी को पढ़ने का स्टाइल क्या होता है, इन सभी को मैं क्या बोलता हूँ, ये सब क्या है, डोर है, दरवाजे है सारे के सारे, ठीक है ना, एक टाइप के दरवाजे। ये दरवाजा किस तरीके से रहता है कि इस दरवाजे में आप इधर से घुस सकते हो और इधर से बाहर निकल सकते हो, ठीक है, इस दरवाजे में यहाँ से घुस सकते हो और यहाँ से बाहर निकल सकते हो। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए को अगर बी के पास जाना है तो बीच में जितने भी दरवाजे होंगे वो इस तरीके से खुले होने चाहिए, ठीक है ना, ए जो है यहाँ से जाएगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक बी तक पहुंच जाएगा वो, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें है वो इस तरीके से होनी चाहिए। तो फर्स्ट वाला जो वीडियो का लेक्चर है, फर्स्ट वाला जो यूट्यूब के वीडियो का लेक्चर है, उसमें मैंने ये दोनों के बारे में बताया है, ठीक है, एकदम सिंपल। नेक्स्ट दो वीडियो के बारे में क्या बताया कि ये दोनों के बारे में बताया कि अगर आपको कहीं पर जाना है और साथ में अगर आपका इक्वल्स टू साइन हो तब क्या कंडीशन लग जाता है, बताओ आप लोग। वो यहाँ से जा इसे मतलब ए और बी दोनों हाँ इक्वल्स टू भी है और वो उससे बड़ा भी है। मतलब मैं क्या मतलब उसमें एकदम सिंपल और शॉर्ट में मैंने क्या आप लोग को क्या एक्सप्लेन किया है कि अगर मान लो ए को बी के पास जाना है और इक्वल्स टू के साथ में जाना है, इक्वल्स टू साइन भी उसके साथ में होनी चाहिए, तो उस केस में इन दोनों के बीच में जितने भी दरवाजे हैं सभी में इक्वल्स टू साइन का होना जरूरी है, ठीक है, सभी में इक्वल्स टू साइन का होना जरूरी है, तभी जो है ए बी के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर किसी एक डोर में भी इक्वल्स टू साइन मिस है, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से, ठीक है ना, ये डोर में अब मिस हो गया ना, ये इस डोर में इक्वल्स टू साइन है, ठीक है, इस डोर में इक्वल्स टू साइन है, ठीक है, इस डोर में इक्वल्स टू साइन नहीं है, मतलब ये रॉन्ग हो गया, मतलब अब ये कंडीशन नहीं बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला जो वीडियो था, पार्ट नंबर टू था, उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया कि जब भी आपको इक्वल्स टू को साथ में लेकर चलना है तो सारे डोर में, सभी डोर में, ऑल डोर्स में इक्वल्स टू साइन होना जरूरी है, इक्वल्स टू साइन आपका होना जरूरी है, और ये पास भी होना चाहिए, मतलब ए को बी के पास जाना भी है ना, दो चीजें हैं कि ए को सर बी के पास भी जाना है और इक्वल्स टू के साथ में भी जाना है, तो पहली बात तो पासिंग तो होना ही चाहिए बट इक्वल्स टू के डोर के साथ में, ठीक है, क्लियर है सबको, ठीक है ना, सब लोगों को क्लियर है ये दोनों के बारे में। चलो, और ये दो सिंबल के बारे में क्या बताता है, ये दोनों सिंबल के बारे में मैंने थर्ड पार्ट में एक्सप्लेन किया है, ये दोनों सिंबल के बारे में किस तरीके से आप आंसर निकालते हो। अच्छा, सभी लोगों ने वीडियो देख लिया ना, पर है ना, कोई भी पेंडिंग काम नहीं रखते जाएगा अपना, और किसी ने मुझे इस बार होमवर्क सेंड नहीं किया, मैंने कहा था कि करके होमवर्क जो है, कौन सा होमवर्क बोला था, शायद 50 क्वेश्चन मैंने कहे थे सिंप्लीफिकेशन के, ठीक है, आप लोग कहा मैंने इस तरीके से पेंडिंग मत रखते जाओ, वरना फिर मैं थोड़ा सा ना लेक्चर के चक्कर में थोड़ा सा बिजी ज्यादा हो गया हूँ, चलो चीजें थोड़ा मैनेज नहीं हो पा रही है, ठीक है, बट लेक्चर के टाइम में मुझे हर चीज ध्यान रहता है कि करके लास्ट लेक्चर में क्या क्या चीजें कवर हुई थी, तो होमवर्क इसीलिए होता है क्योंकि आपको सिर्फ लेक्चर से कुछ नहीं होगा, लेक्चर तो आप बस डाउट सॉल्व करने के लिए होते हैं, बट डाउट आप तभी ले सकते हो जब आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे, ठीक है। चलो, ये दोनों के बारे में क्या था कि मान लो अगर ए को ए इक्वल्स टू बी है, ए अगर इक्वल्स टू बी है तो ए और बी के बीच में जितने भी डोर आते हैं वहां पे क्या होना चाहिए, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा तो आपको पता होगा क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू, सिर्फ इक्वल्स टू ही साइन होना चाहिए, और दूसरी कोई भी साइन जो है अगर आ गई तो ये वाला इक्वेशन गलत हो जाएगा, वरना फिलहाल ये राइट है,
अगर कोई भी दूसरा साइन अगर आ गया ए और बी के बीच में, तो ये वाला इक्वेशन गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इक्वल्स टू के बारे में ये बताता हूँ। इक्वल्स टू बड़ा सिंपल है, क्योंकि अक्सर ये राइट मतलब सभी डोर में इक्वल्स टू का साइन तो नहीं होता। और नॉट इक्वल्स टू के बारे में क्या बताया था? नॉट इक्वल्स टू का मतलब है इक्वल्स टू की पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो वो इस तरीके से होती है कि या तो ए बी के पास पहुंच जाए, पास हो जाए, या तो बी ए के पास पास हो जाए, इन दोनों में से कोई भी, या फिर आई थिंक ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटी थी जनरली, कि अगर ये दो पॉसिबिलिटी आपकी करेक्ट हो जाती है तो ए नॉट इक्वल्स टू बी जो है वो आपका राइट हो जाता है। क्योंकि तो अगर एक बंदा किसी के पास पास हो जा रहा है तो आई थिंक वो इस तरीके, ये तो राइट तो नहीं होने वाला। ठीक है ना, पहली बात तो इसका मतलब सभी लोग समझते हो कि ए जो है बी के बराबर नहीं होना चाहिए। बस अगर ये छोड़ दो तो बाकी सारी सिचुएशंस जो है, बाकी सारी सिचुएशंस जो है वो राइट हो जाएगी इस केस में, बस इसको छोड़ के। ठीक है, चलो, तो आई थिंक मैं ज्यादा रिवीजन नहीं करूंगा, आप लोगों ने वीडियो देखा है तो एक काम करो, जो पीडीएफ अभी अभी मैंने आप लोगों को ग्रुप पे भेजा है उसके स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन चलो फटाफट सॉल्व करो। स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक, और हम लोग फिर आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व करूं यहाँ पर, तो पहला क्वेश्चन देखो कुछ इस तरीके से दिया है आपको, सभी लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लो, उसके बाद आप लोग सॉल्व करना। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिया है। अभी क्वेश्चन में देखो चीजों को तोड़ तोड़ कर दिया है, ठीक है ना, सबको एक साथ कनेक्ट करके नहीं दिया है, सबको यहाँ पर क्या किया है, तोड़ तोड़ कर दिया, कॉमा दिया है। बचपन में अगर मैं इन क्वेश्चनों को सॉल्व करता था एग्जाम में या फिर स्कूल में, तो वो लोग क्या करते थे कि इन सबको जोड़ देते थे, जैसे डी इक्वल्स टू के है, फिर के इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू एम है, फिर एम जो है स्मॉलर देन एस है, और डी और बी, डी जो है बी से बड़ा है। देखो ये एक इक्वेशन दिख रहा है सबको, एक सिंगल लाइन इक्वेशन है ना, क्या वो सब लोगों ने म्यूट करके रखा है क्या? बोल सकते हो आप लोग, बोल सकते हो। सर वो यस यस और यस के आगे वो रिलेशन नहीं बन रहा हो। एस के आगे रिलेशन नहीं बन रहा है। हाँ उसने हाँ पूछा है ठीक ना है, डी और वही वही यस। वही चेक करते हैं। तो इसको हम लोग पहले बात तो रीड कैसे करते, पढ़ते कैसे? सर एस को डी के पास जाना है विथ इक्वल्स टू के साथ में। एस को तो सर डी के पास जाना ही है, पर इक्वल्स टू होना चाहिए। तो चलो सर एस यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, तो एस जो है एम के पास चला गया, एम जो है के पास चला गया, के जो है डी के पास चला गया। तो सर एस जो है वो डी के पास जा तो रहा है, पर इक्वल्स टू के साथ में जा रहा है क्या? क्योंकि नहीं इक्वल्स टू के साथ में जाने के लिए सभी डोर में इक्वल्स टू होना चाहिए। देखो ये वाले डोर में इक्वल्स टू है, ओके, ये वाले डोर में इक्वल्स टू है, ओके, बट इस डोर में मिस हो गया ना इक्वल्स टू, है ना, इसीलिए ये आपका आ जाएगा रॉन्ग आ जाएगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, क्लियर है सबको? कम ऑन, सब लोगों ने म्यूट करके रखा है क्या, कि सबको वॉइस नहीं आ रही है? यस यस सर सादिया, आपका वॉइस नहीं आया अभी तक? सादिया, आपकी तबीयत ठीक हुई कि नहीं? क्या हुआ सादिया, वॉइस नहीं आ रहा है आपका? आपने अनम्यूट करके रखा बट वॉइस आ नहीं रहा है। चलो ठीक है, कोई नहीं। अब ये मुझे बताओ, एम बी के पास जा रहा है क्या? एम बी के पास जा रहा है क्या? एम यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, पास हो रहा है क्या? ये यस पास हो रहा है, हाँ। एमबी एम के पास पहुंच जा रहा है, ठीक है, के डी के पास, जो इक्वल टू साइन है के पास वो डबल डोर है, मतलब इधर से भी जा सकते हैं और इधर से भी जा सकते हैं, वो तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। और डी जो है वो बी के पास भी पास हो रहा है, मतलब एम जो है वो इजीली बी के पास चला जाएगा, तो ये आपका राइट हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा इसका? कंक्लूजन टू, सिर्फ सेकंड वाला राइट है, ऑप्शन नंबर बी, मतलब वो एक आप उस पीडीएफ में ऊपर देख रहे रहोगे कि 5 ऑप्शन है, तो
तो पांच में से कंक्लूजन नंबर टू। चलो उसके बारे में हम लोग पहले बात करेंगे, फिलहाल आप बस इतना लिखना कि दो कंक्लूजन में से कौन सा रॉन्ग है कौन सा राइट है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, अब सेकंड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन, इस तरीके से जरा आंसर निकाल लो स्टार्टिंग के 10 के। चलो आप लोग का टाइम स्टार्ट होता है नाउ, 5 मिनट, 5 मिनट देता हूं मैं। और हाँ, सॉरी सॉरी, 1 सेकेंड, ये कभी भी आप सिंगल इक्वेशन बनाना नहीं है, ये तो मैंने आपको बस बना के दिखाया है, आपको ये यहीं पर देखना है कि एस को डी के पास जाना है तो एस एम के पास जाएगा, एम के पास जाएगा, के डी के पास जाएगा, ठीक है ना। ये सिंगल इक्वेशन आपको बनाना नहीं है एग्जाम में, क्योंकि ये इतना टाइम होता नहीं है अपने पास। फिर वो पीडीएफ में ऐसा बनाना है क्या, क्वेश्चन पीडीएफ में क्वेश्चन है ना, वही सॉल्व करने गए। हाँ वही सॉल्व करना है, वो 10 क्वेश्चन सॉल्व करो स्टार्टिंग के, फिर हम लोग देखते हैं आप लोग के आंसर एकदम राइट आ रहे कि नहीं, फिर उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ फटाफट सॉल्व करो बस। चलो आप लोग के साथ मैं भी निकालते चलता हूँ। सो फर्स्ट वाले का तो हमने निकाल लिया, सेकंड वाले का चेक करते हैं। आ रहे ना आंसर सबको, अगर नहीं आ रहे रहेंगे तो बताना मुझे, हाँ ठीक है। सर आ रहे सर। इजी टॉपिक है एकदम।
चलो कितने लोग का हो गया? तो सात हुए, सात हुए, चलो ठीक कर लो कर लो। हो गया सर, ओके वेरी गुड। सादिया निखिल आप लोग का हुआ? सादिया अगर आप बोल नहीं सकते तो एटलीस्ट चैट कर लो, फिर चैट भी देख रहा हूँ। पांच हुए, ओके चलो ठीक है कोई नहीं। आठ हुए सर, आठ आठ हुए, ओके ओके। क्या हुआ, वॉइस ब्रेक हो रहा है थोड़ा? चलो ठीक है, आई थिंक हो गया रहेगा। निखिल आपका वॉइस है ना थोड़ा ब्रेक हो रहा है। सादिया आपके इधर से बहुत है ना डिस्टरबेंस आ रहा है, आप थोड़ा सा म्यूट कर दो। अगर आप बोल नहीं रहे हो तो थोड़ा म्यूट ही कर दो, बहुत खिरखिर खिरखिर आ रहा है। हाँ अब ठीक है, चलो ठीक है। तो द फर्स्ट वन का आंसर आई थिंक आप लोग भी क्रॉस चेक कर लो, मे बी अगर आप लोग का आंसर जो है थोड़ा सा मिसमैच हुआ है तो बताना, हम लोग क्वेश्चन को जो है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पहले वाले में फर्स्ट वन तो रॉन्ग था, सेकेंड वन राइट है, ये तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था। सेकेंड वाला देख लो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट नाइन टेन, जरा अपने आंसर चेक कर लो जरा इस पे। ठीक है आंसर वैसे आप वो पीडीएफ में दिए गए सॉल्यूशन पे भी चेक कर सकते हो, बस मुझे ये बात बताओ कि कौन सा आंसर आपका अलग आ रहा है, तो वो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये 10 क्वेश्चन आई थिंक मैंने लिखे हैं यहाँ पे, कौन सा क्वेश्चन अलग आ रहा है वो बता दो, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं वो। सिक्स वाला बोल रहे हो, सिक्स वाला डिस्कस करो। सिक्स वाला, हाँ सिक्स वाला फर्स्ट, डी और ए का पीछे। चलो तो सिक्स वाला क्वेश्चन क्या है, पहले तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। चलो एक काम करते, बाकी सब राइट है, वेरी गुड, चलो ठीक है। हाँ अच्छा ये ए जो लिखा है वो दिख रहा है ना अभी आप लोग को? हाँ सर। ओके ठीक है, चलो तो इसमें जो पहला कंक्लूजन दिया है वो ये दिया है कि सर डी को ए के पास जाना है, सॉरी ए को डी के पास जाना है इक्वल्स टू के साइन के साथ में, और दूसरा वाला क्या बोल रहा है एफ को सी के पास जाना है। चलो चेक करते हैं कि सपोज ए को डी के पास जाना है विद इक्वल्स टू के साथ में। देखो यहाँ पर दो ए दिख रहा है, एक यहाँ पर भी ए है और एक यहाँ पर भी ए है, पर दोनों ए जो है वो आपको डी तक लेकर नहीं जाएंगे, तो ये बात आपको एग्जाम में हमेशा
समझनी होगी कि कौन सा ए आपको यूज करना है। तो ये डी जो है वो ई के पास है और ई जो है इसके पास है, तो आप ये वाला ए यूज करोगे। तो अब चेक करते, ए जो है वो ई के पास जा रहा है क्या विथ इक्वल टू के साइन के साथ में? जा रहा है, चलो ये राइट है। फिर ई जो है वो डी के पास जा रहा है क्या इक्वल टू के साइन के साथ में? जा रहा है, इसका मतलब ये राइट है, है ना। और F को C के पास जाना है, तो F आपको देखो यहाँ पे दिख रहा है, C आपको यहाँ पे दिख रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो F चला गया E के पास, E चला गया A के पास, एक्चुअली वो नहीं जा रहा है ना, क्योंकि F to E, E to A, A to B और B to C ऐसे जाना था मुझे, ऐसे मुझे आई थिंक जाना था, बट अब मैं ये कैरी ऑन नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि एफ टू ई तो चला गया वो, बट ई जो है वो ए के पास नहीं पहुंच पाया, इसीलिए ये क्या आ गया आपका रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर सिक्स का पहला राइट है, दूसरा वाला रॉन्ग है। ठीक है, पहला वाला गलत था मेरा, सेकंड वाला राइट। हाँ, तो वही बात है कि आपने कौन सा ये यूज किया। ओके, मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। ओके ठीक है, चलो कोई नहीं, इसीलिए तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना सादिया, आपको कौन से क्वेश्चन में। अगर मैंने ये क्वेश्चन को सपोज साधे, मैंने क्वेश्चन को अच्छा, बाकी जिनका हो गया है ना, एक काम करो आप लोग 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं जरा साधे को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसको, आप लोग 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन सॉल्व करो। सपोज साधे, अगर मैंने इसको एक लाइन में लिखा होता, एक लाइन में लिखा होता कि ए टू बी जाना है, बी टू सी जाना है और ए टू ई जाना है। अच्छा एक जैसे ए टू बी जाना है, बी टू सी इक्वल्स टू है, देखो ये वाला लाइन मैंने लिख दिया, फिर ये वाला लिखता हूं मैं, ए जो है ई से बड़ा है, और ये वाला लाइन लिखता हूं मैं, ई जो है वो डी से है और ई जो है वो एफ से छोटा है, ई जो है वो एफ से छोटा है, कुछ इस तरीके का आप लोग आप एक लाइन में चीजें लिख सकते हो। ठीक है, वन लाइन में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसको अगर मैं देखूं कि ए को जाना है डी के पास विथ इक्वल्स टू साइन, तो ए यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, ए ई के पास चला गया, ई डी के पास चला गया, और दोनों भी डोर में इक्वल्स टू का साइन जो है आपका मिल जाता है आपको, इसीलिए फर्स्ट वाला ये जो कंक्लूजन है वो राइट हो गया आपका। सेकेंड वाला क्या है, एफ टू सी जाना है मुझे, तो एफ टू सी कैसे जाऊंगा, एफ का ई के साथ कंपैरिजन है, तो एफ जो है वो इसको मैं लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इधर से लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ कि एफ का ई के साथ कंपैरिजन है, तो एफ जो है वो ई के पास पहुंच गया। ठीक है, E को A के पास जाना था बट नहीं जा पाया, तो ये मेरे ख्याल से डोर यहीं पे स्टॉप हो जाता है, इसलिए रॉन्ग है। तो वही बात है कि F और C के बीच में जितने भी डोर्स थे वो सभी के सभी ओपन रहने चाहिए थे, जैसे कि F से E में ओपन था वो, बट E से A में ओपन नहीं था, वो इस तरीके से बंद हो गया, इसलिए ये रॉन्ग यहीं पर आ गया। ठीक है, ओके चलो सादे, समझ में आया ना। तो बट एग्जाम में ना आपको ये एक लाइन में बना के नहीं दिखाएंगे लोग, आपको ऐसे ही अलग 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 वो दिया जाता है, तो आपको थोड़ा सा फोकस करना होता है। ठीक है ना, थोड़ा सा फोकस करोगे तो आई थिंक आंसर आ जाएगा। चलो, अगर बाकी कोई भी क्वेश्चन अगर डिस्कस नहीं करना है, आप लोग के सारे क्वेश्चन के आंसर राइट है, तो एक लास्ट 11 से लेकर 20 तक ये 10 क्वेश्चन जरा निकाल लो, फिर आई थिंक मैं कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर आऊंगा, कि कुछ कॉन्सेप्ट इसमें थे जो हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं भी आंसर निकाल लेता हूं, क्योंकि सादे सादे अब बंद कर दो, आपके इधर से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। थोड़ा डिस्टरबेंस ज्यादा आ रहा है आपके इधर से। ओके, एन टू क्यू जाना है, तो एन और क्यू को थोड़ा सा देख लेना ध्यान से कि एन कहां पर है, क्यू कहां पर है।
N2O O2 PP2Q। चलो ठीक है, आप लोग चाहे तो डिस्कस कर सकते हो, अगर आप लोग को लग रहा है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो। M2P जाना है विथ इक्वल्स टू, तो M2N चला गया इक्वल्स टू, ठीक है। N2O इक्वल्स टू नहीं है इसीलिए रॉन्ग है, इक्वल्स टू का साइन नहीं है इसीलिए रॉन्ग है। D इज नॉट इक्वल्स टू K, तो D K के पास पहुंच रहा है क्या? D2N N2J J2L L2K, ओके ये पहुंच गया, तो आई थिंक ये राइट है, पास हो गया। मतलब कोई भी एक बंदा पास हो गया एक दूसरे की तरफ तो वो राइट हो जाएगा। J2P आई थिंक इजीली पास हो रहा है, दिख रहा है वो तो क्लियर कट। R2Y, तो R एक ही Y, एक ही I, एक ही R है, और R जो है इसके पास नहीं जा पा रहा है, दैट मीन्स ये रॉन्ग आ जाएगा। S2C विद इक्वल्स टू, तो S2Q Q2C, चलो ठीक है इजीली पास हो गया वो। P2L, तो P2L आई थिंक वो क्लियर कट दिख रहा है, एक ही लाइन में है। K2P विथ इक्वल्स टू, K2P नहीं हो पा रहा है, M2N पास ही नहीं हो पा रहा है, तो नहीं हो पाएगा ये। अगर किसी कुछ पूछना रहेगा, डिस्कस करना रहेगा तो बोलना, ठीक है। P2M जा रहा है क्या? तो P2U जा रहा है, U2R जा रहा है, R2M जा रहा है, एकदम परफेक्ट पास हो गया। सर 11th वन एक्सप्लेन करो ना। अच्छा 11th वन एक्सप्लेन करो क्या? चलो ठीक है, 11th वन का मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ। 11th वन का क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और 11th वन हम लोग सॉल्व करते हैं एक बार। चलो 11th वाले का जरा क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं पहले तो। नेटवर्क प्रॉब्लम है निखिल, कोई नहीं, अभी मैं क्या बोलूँ फिर, थोड़ा तो सा आपको वाईफाई थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा अच्छे से अपना वाईफाई। अगर आप मतलब वाईफाई होगा या फिर इंटरनेट होगा ना, तो थोड़ा सा वो चेक करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो बार बार ऐसे होगा। तो अभी भी देखो आपका वॉइस ब्रेक होके आ रहा है, आपका वॉइस आ नहीं रहा है अच्छे से। अभी भी जो आपका वॉइस है ना, वो ब्रेक ही होके आ रहा है। थोड़ा सा आपको नेट का फिर थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा कि नेट कहाँ पे प्रॉपर है, या फिर समथिंग वाईफाई है तो कनेक्ट कर लो उससे। चलो कोई नहीं। चलो 11th वाला क्या था? तो 11th वाले में सबसे पहली चीज है कि सर एन को जाना है क्यू के पास में। आपको यहाँ पे दो एन दिख रहे हैं, एक एन दिख रहा है यहाँ पे, एक एन दिख रहा है यहाँ पे, बट कौन सा एन क्यू के पास आपको पहुंचाएगा, ठीक है? क्योंकि ये एन जो है वो एम के पास लेकर जाएगा, और कोई भी एम आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा। ये एन जो है ओ के पास लेकर जाएगा, ओ पी के पास, पी क्यू के पास, तो ये एन यूज करूंगा मैं। चलो N2O जा रहा हूँ क्या मैं? हाँ जा रहा हूँ। O2P जा रहा हूँ क्या मैं? जा रहा हूँ। P2Q जा रहा हूँ क्या मैं? जा रहा हूँ। मतलब ये मैं पास हो गया, ये वाला पास मैं इजीली हो जाऊंगा मैं, ठीक है सर 17। हाँ ठीक है श्वेता, मैं करता हूँ। M2P जाना है मुझे, M2P जाना है विथ इक्वल्स टू, मतलब इक्वल्स टू भी होना चाहिए और आपका पास भी होना चाहिए। तो चलो पहली बात तो M और P मुझे कहाँ दिख रहे हैं? M मुझे दिख रहा है यहाँ पर, और P मुझे दिख रहा है यहाँ पर, तो कैसे मैं जाऊंगा? चलो तो पहले मैं जाऊंगा M2N, इक्वल्स टू का साइन है, चलो एकदम सही। फिर N2O पास तो हो रहा है बट इक्वल्स टू का साइन नहीं है, इसीलिए यहीं पे रॉन्ग हो गया। सपोज अगर यहाँ पर इक्वल्स टू साइन होता, इक्वल्स टू साइन होता, तो O2P इजीली पास हो जाता विद इक्वल्स टू, तब ये राइट हो जाता। बट क्योंकि एक डोर जो कि ये वाला डोर है, इसमें इक्वल्स टू साइन मिसिंग है, इसीलिए ये वाला कंक्लूजन आपका रॉन्ग हो गया, इसीलिए ये वाला कंक्लूजन आपका रॉन्ग हो जाता है, ठीक है? चलो आई थिंक ये वाला समझा रहेगा सादिया को। मैं 17th वाला क्वेश्चन जरा लेता हूँ, श्वेता बोल रही है, ठीक है। 17th वाले क्वेश्चन में क्या दिया है? तो 17th वाले क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन कि K इज लेस देन J, फिर L, फिर N, फिर
एल एफ आर, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा है कि के को जाना है एफ के पास विथ इक्वल्स टू साइन, और जे को जाना है एफ के पास में, ये दो चीज आपको दी गई है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, के को पहुंचाओगे एफ के पास विथ इक्वल्स टू साइन के साथ में, विथ इक्वल्स टू साइन के साथ में। तो के टू चला गया, मैं कहाँ जाऊंगा, शायद एल के पास जाऊंगा, सॉरी नहीं, के यहाँ पर है, के टू जे जाऊंगा, जे टू एल जाऊंगा, और एल आपको, सॉरी के टू एफ जाना ना, हाँ जे टू के टू जे, जे टू एल, एल टू एफ, ये तीन आपको डोर यूज करने हैं। तो अब चेक कर लेता हूं मैं, क्या मैं के टू जे पास हो रहा हूँ, नहीं पास ही नहीं हो रहा हूँ, बात ही खत्म, ये वाला कंक्लूजन रॉन्ग है। पहला ही डोर आपका पास ही नहीं हो रहा है, तो फिर वो राइट तो आएगा ही नहीं ना, भले सभी डोर में इक्वल टू जरूर है बट पासिंग भी तो होना चाहिए, इसीलिए 17th वाले का पहला वाला रॉन्ग है, पहला वाला कंक्लूजन आपका रॉन्ग है। ठीक है श्वेता, आई थिंक आज समझा रहेगा कि इक्वल्स टू है इन तीनों डोर में बट पास ही नहीं हो रहा है ना वो, इसीलिए वो रॉन्ग आ जाएगा। अब अगर मैं सेकेंड वाले की बात करूं कि मुझे जे टू एफ जाना है, तो जे और एफ देखो, जे यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है, तो जे टू एल, एल टू एफ, चलो जे टू एल पास हो गया क्या, मैं हो गया, एल टू एफ पास हो गया क्या, मैं हो गया, बट इसका आंसर फिर भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है कोई मुझे बता पाएगा, ये क्यों रॉन्ग है कोई मुझे बता पाएगा? उसमें वो इक्वल्स टू है वाला सर, साइन नहीं, एकदम सिर्फ पर इक्वल टू है, मतलब नहीं, सिर्फ इक्वल्स टू नहीं है, ग्रेटर वाला साइन भी है इसमें, देखो दिया यहाँ पे है ना ग्रेटर वाला लेकिन साइन, लेकिन जो दोनों कंक्लूजन में में वो इक्वल्स वाला टू है। नहीं है। हाँ कंक्लूजन में वो वाला नहीं, या फिर सर दोनों में इक्वल्स टू साइन है, जे टू एल में जा रहे हो तो भी इक्वल्स टू है, एल टू एफ जा रहे हो तो भी इक्वल्स टू, अगर दोनों में इक्वल्स टू है तो यहाँ पर इक्वल्स टू का होना जरूरी था, यहाँ पर इस तरीके से होना चाहिए था तब ये राइट होता, वरना ये आ गया रॉन्ग आ गया। ठीक है, वरना आपका ये रॉन्ग आ गया, तो 17th के दोनों भी आपके रॉन्ग। ठीक है 17th के दोनों, लेकिन थोड़ा सा ना आपको नेट थोड़ा सा कनेक्शन देख लेना, तो वरना आप थोड़ा सा डाउट वाउट जो है पूछ नहीं पाओगे। कोई नहीं, थोड़ा सा किसी के मोबाइल से नेट कनेक्शन अगर अच्छा रहेगा तो वो थोड़ा सा चेक कर लेना। अच्छा 15th का आंसर क्या आता है वैसे, टी टू पी पास हो रहा है? नहीं। ए आ गया इसका, हाँ 16th का क्या आंसर आ रहा है दोनों? पहला वाला तो रॉन्ग डी है, डी दूसरा मतलब कुछ दूसरा भी रॉन्ग है। ठीक है 18th का आंसर क्या है दोनों? डी। डी मतलब दोनों रॉन्ग है। ओके 19th का आंसर क्या है? अच्छा इसमें भी दोनों रॉन्ग है, चलो दोनों ठीक है। रॉन्ग है। और लास्ट वाले का आंसर क्या है? ए, मतलब पहला वाला राइट है और दूसरा वाला रॉन्ग है, जरा मैं चेक कर लेता हूँ इसको। जे टू के, तो जे टू एच जा रहा है, एच टू के जा रहा है, ठीक है राइट है। जे टू एम, जे टू एच जा रहा है, एच टू एम, ओके ये पास नहीं, एकदम सही। तो यहाँ पर आई थिंक 20 क्वेश्चंस के हम लोगों ने सारे आंसर जो है निकाल लिए। ठीक है हाँ हाँ ये लिख लो जरा, सॉल्यूशन वैसे है नहीं उसमें, देख रहा हूँ, नहीं देख लो देख रहा जरा, हूँ कि राइट टाइम देख राइट लो देख टाइम लो। सॉल्यूशन में 17 गलत ही है। हाँ सॉल्यूशन में कुछ कुछ इसके से ना सॉल्यूशन रॉन्ग है, जैसे अगर मैं मान लो सॉल्यूशन अगर चेक करता हूँ तो क्या दिया है, के टू एफ पास होना था ना, सो के टू एफ देखो पास हो ही नहीं सकता ना, उन्होंने देखो वहां पे मे भी शायद राइट दिया होगा, 17th का डू नॉट फॉलो तो दिया है दोनों भी उन्होंने, सही तो है। अच्छा उन्होंने लिखा ए है, ओके ओके लिखा ए है, पर उनका कंक्लूजन देखो उन्होंने सॉल्यूशन में क्या लिखा है, डू नॉट फॉलो, डू नॉट फॉलो है ना, मतलब दोनों रॉन्ग है, उन्होंने ए नहीं लि, ए गलत लिख दिया वहां पे, पर सॉल्यूशन में दोनों भी डू नॉट फॉलो लिखा है उन्होंने, है ना, तो उन्होंने बस वो ए बी सी डी थोड़ा सा गलत लिख दिया, वरना बाकी सब राइट है उनका। चलो ओके अच्छा कल का वीडियो देखा क्या सब लोगों ने, कल का इनइक्वालिटी? अच्छा मैं जरा नया वीडियो स्टार्ट करता हूँ, ये अभी भी खत्म होने वाला है, ठीक है मैं नया वीडियो स्टार्ट करता हूँ।
चलो ठीक है। अच्छा कल का वीडियो देखा क्या आप लोग ने? कल का वाला वीडियो देखा? हाँ सर कल का एक्चुअली इम्पोर्टेंट था, इधर और वाला केस था कल, इधर और वाला केस था ठीक है। अच्छा इधर और वाले केस में एक चीज की करके नाइदर और आइदर में फर्क आप लोग ने समझा? नाइदर का मतलब दोनों कंक्लूजन रॉन्ग, आइदर का भी मतलब दोनों कंक्लूजन रॉन्ग ही होता है। दोनों में सेम चीजें होती है कि दोनों में दोनों कंक्लूजन जो है रॉन्ग होते हैं, बट आइदर वाले में आप कुछ रूल्स को चेक करते हो, अगर ये रूल फॉलो होता है तब आप क्या बोलते हो? आइदर और, बराबर है? श्वेता कल का वीडियो देखा था? सादिया कल का वीडियो देखा? यस सर। तो अगर मैं आप लोग से पूछूं कि आइदर और के रूल्स क्या है तो रूल्स बताओगे आप लोग मुझे? आइदर के ना होना चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए, मतलब ए बी है तो दूसरा भी ए बी होना चाहिए। दूसरा सिंबल उसमें कवर होने चाहिए, सारे सिंबल्स उसमें कवर होने चाहिए, मतलब ग्रेटर भी है, लेस भी है और इक्वल टू का सिंबल भी है उसमें। और तीसरा क्या है रूल? दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए। दोनों कंक्लूजन वो रॉन्ग होने चाहिए। चलो ये तो मेरे ख्याल से तीन रूल है। क्या इसमें कुछ एक्सेप्शन था, मतलब अगर ये तीन रूल फॉलो नहीं भी हो रहे तो भी आइदर और बनता है? पहला और दूसरा। फॉर एग्जाम्पल आइदर और का एक सिंपल सा अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि मान लो क्वेश्चन आपका इस तरीके से लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपका इस तरीके से जो है लिखा हुआ है। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि मुझे ए टू डी जाना है या फिर ए इज दिस, सो अब देखो ए टू डी पास हो रहा हूं क्या मैं? चलो सभी लोग आई थिंक ये कॉन्सेप्ट है तो क्लियर कर लेता हूं मैं। फिर ए टू डी पास हो रहा हूं क्या? नहीं। ओके डी टू ए विथ इक्वल्स टू के साइन में, साइन के साथ में पास हो रहा हूं क्या? नहीं। तो आई थिंक ये दोनों कंक्लूजन मेरा रॉन्ग है। दोनों कंक्लूजन में सारे सिंबल यूज हुए, ग्रेटर लेस देन इक्वल्स टू, और दोनों में टर्म सेम है मेरा, एडी एडी है, मतलब ये तीनों मेरे रूल्स फॉलो हो रहे, मतलब ये आपका आइदर और केस बनेगा ठीक है, बराबर है ना? राइट आई थिंक। चलो बट इसमें एक्सेप्शन क्या था? एक्सेप्शन क्या था कि मान लो सर अगर ये दो सिंबल की जगह पर मैं कुछ ऐसे यूज करता हूं, और अब मैं आपको क्वेश्चन क्या पूछूंगा, कि ए टू सी एंड ऐसे। अब देखो मैंने यहां पर ए सी यूज किया है और यहाँ पर ए डी यूज किया है। देखो ए सी और ए डी दोनों टर्म अलग अलग है, मतलब ए तो कॉमन है पर यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है, तो इसमें आइदर और लगेगा क्या? हाँ लगेगा सर। क्यों? क्योंकि डी और सी इक्वल है ना। हाँ क्योंकि डी और सी, सर डी आप लो या सी लो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों बराबर है। आप डी की बात करो या सी की बात करो दोनों एक ही बात है, वो ठीक है ना, एक ही बात है कि डी लो या तो सी लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों आई थिंक अगर मैं चेक करूं तो सारे सिंबल सारे हैं और दोनों भी कंक्लूजन अगर आप चेक करो तो दोनों भी गलत है, तो ये बन जाता है आपका आइदर और केस। बट ये पहले वाले का एक्सेप्शन है, फर्स्ट रूल का क्या है ये एक्सेप्शन आज का देखने के लिए मिलेगा आपको, ये एक्सेप्शन है फर्स्ट वाले रूल का ठीक है। अब सेकेंड रूल का क्या एक्सेप्शन है कि सर सेकेंड रूल में ये बोलते हैं कि अगर सारे के सारे सिंबल नहीं भी हुए तो भी चल जाता है, तो उसका एक एग्जांपल क्या है? जैसे जैसे कुछ इस तरीके से अगर मैं इसे बोलूं कि ए को डी के पास जाना है या ए को डी से इक्वल्स टू होना है, ये दो मैंने कंक्लूजन दिए। अब देखो ये दोनों में ये जो है वो टर्म सेम है, एडी एडी दोनों में है,
ठीक है, एडी एडी दोनों में है, क्या दोनों कंक्लूजन गलत है क्या, जरा मुझे चेक करके बताना। क्या दोनों कंक्लूजन गलत है क्या? Well, right. पहला राइट है सर और सेकंड नहीं, पहला राइट कैसे है? Wrong है सर. नहीं 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 सॉरी, तो राइट रॉन्ग है और ये भी, क्योंकि वो पास तो में भी हो जाए, ए से डी पास जरूर हो जाए, बट हाँ, सभी डोर में इक्वल टू साइन है ना, इसीलिए वो गलत हो जाता है, इसीलिए वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और सेकंड वाला कब राइट होता है? जब सब डोर में सिर्फ इक्वल टू हो, इसीलिए वो भी आपका जो है गलत हो जाता है। ठीक है, सो ये दोनों गलत हो जाएगा, दोनों के टर्म सेम है बट दोनों में सारे सिंबल कवर नहीं हुए, बट स्टिल ये अभी भी आइदर और है, और आइदर और क्यों है ये, क्योंकि सर ए और डी के बीच में सिर्फ बड़े का और इक्वल्स टू का ही रिलेशन बन सकता है, और दूसरा कोई भी रिलेशन बनने का यहाँ पे चांस नहीं है। या तो ए डी के पास पहुंच जाएगा या तो ए डी के बराबर होगा, ये दो के अलावा कोई भी सिंबल, मतलब ये वाला सिंबल जो है इसमें नहीं बन सकता, इसीलिए इस वाले सिंबल की मुझे जरूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। आई थिंक ये जो तीन पार्ट है ना, आई थिंक ये चौथा वाला पार्ट था, ये चौथा वाला, ये चार पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसके दो पार्ट और है, मैंने एक्चुअली अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है, वो आज नहीं तो कल रिकॉर्ड करके कल डाल दूंगा मैं, बट उसका भी हम लोग एग्जाम्पल्स हम लोग ले लेंगे। बट सबसे पहले चीज क्या रहेगा कि आप सभी लोग जरा टेस्ट बुक ऐप निकाल लो, टेस्ट बुक ऐप मैं आपको बता देता हूँ पहले तो। सर कल भी एक दिए थे एग्जाम मैंने, कौन सा वाला? 10 मार्क्स की आरआरबी की। अच्छा अच्छा ओके ओके, उसमें से 6 आए मैं। 6 आए मतलब कितने में से? 10 में से 10 क्वेश्चन थे और कुछ तो टाइमिंग था। अच्छा अच्छा, मतलब 7 मिनट का, अड्डा 24/7 में से ना? हाँ। चलो ठीक है, सो टेस्ट बुक ऐप से रीजनिंग में जाना, मतलब बैंकिंग के रीजनिंग में जाना। हाँ, बैंकिंग के रीजनिंग में जाना आप लोग, और बैंकिंग के रीजनिंग में आपका इनइक्वालिटी होगा, जिसका इनइक्वालिटी में आपको दिखेगा वहां पर मिसलेनियस। किधर है बैंकिंग? मिला मिसलेनियस का लेवल 1, जिसमें 31 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। इनइक्वालिटी पहले फर्स्ट लेवल ना सर? हाँ फर्स्ट लेवल, कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं आप लोगों को? 31 क्वेश्चन। हाँ 31 क्वेश्चन दिख रहे हैं, और इसके साथ में आपको लेवल 2 भी करना है, क्योंकि इनइक्वालिटी वैसे भी बड़ा सिंपल टॉपिक है, तो लेवल 2 के 22 क्वेश्चन भी आपको करने हैं, मतलब टोटल कितने हो गए? 53 क्वेश्चंस हो गए। 53। ठीक है, सबको ये बात क्लियर है कि आज का होमवर्क क्या है, और ये होमवर्क आज ही आपको दिखाना है, कल आपका सुबह लेक्चर होगा 7 to 8। ठीक है, और कल हम लोग इनइक्वालिटी खत्म कर देंगे, और सैटरडे से नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले। ठीक है ना, सबको मिल गया? यस सर। हाँ, तो मेरे ख्याल से टर्म रिले टर्म बोलो बोलो। आपको एक बुक भेजता हूँ, उसमें जनरल नॉलेज का है, मैंने आज अभी लाया हुआ कल। अच्छा, वो देखो ना जरा। ठीक है चलेगा, मैं देख लेता हूं। अपना एनटीपीसी, अभी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था ना सर? हाँ हाँ, उसका, और 2018 में जो डी ग्रुप का हुआ था वो अपडेट है। अच्छा अच्छा ओके ओके, ठीक है, आपको मैं फोटो भेजता हूँ फ्रंट पेज की। चलेगा चलेगा, मुझे भेज देना। तो ये जो चार टर्म है, इसमें ग्रेटर देन और स्मॉलर देन जिसको हम लोग डोर पढ़ते, फिर ये वाला हो जाएगा इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू हो गया, आइदर और हो गया, ये चार जो टर्म है आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये चारों में आपकी क्लियरिटी हो जानी चाहिए। अगर चारों में क्लियरिटी है
तो आई थिंक आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे जरूर पूछना, वरना मिसलेनियस रीजनिंग का इनइक्वालिटी के अंदर, मिसलेनियस के अंदर लेवल वन और लेवल टू के टोटल मिला के 50 क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करने हैं आज के आज ही, ठीक है। इतने दिन से मैथ्स कर रहे थे तो अब आई थिंक रीजनिंग करेंगे, तो रीजनिंग थोड़ा सा इजी लगेगा आप लोगों को, काफी इजी लगेगा। आज के वैसे लेक्चर में इन चारों टॉपिक में किसी को कुछ डाउट है? सर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। अरे अभी भी कंफ्यूज हो? कोई नहीं साधे, एक काम करना आप कि उसको ना सिंपल पहले बात तो लिख लेना, मान लो अगर कंफ्यूज रहोगे ना तो मुझे पूछना फिर बाद में। आप पहले क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लो। वीडियो आपने देखा है क्या सादिया? ऑनेस्टली मुझे बताओ, यूट्यूब का वीडियो देखा है क्या? क्योंकि आज तो मैंने बस फटाफट पढ़ाया, और फटाफट पढ़ाने का रीजन ही है कि यूट्यूब, इसीलिए मैंने आपको बोला देखने के लिए। जो आपका रॉन्ग आता है वो मेरा राइट आता है। ए सर अच्छा ठीक है चलेगा, कोई नहीं, इसीलिए तो मैं बोल रहा था ना कि पूछते जाओ, कोई नहीं। चंदन श्रद्धा आई थिंक आप लोग को होमवर्क पता चल गया, आप लोग जा सकते हो। मैं जरा सादिया को 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवा देता हूँ, ठीक है? 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरा, बाय बाय, मैं थोड़ा सा और 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ले लेता हूँ सादिया के लिए, ठीक है? सादिया आप होमवर्क समझ गए हो, मैं जरा 2-3 क्वेश्चन आपके लिए लेता हूँ, 2-3 क्वेश्चन आपके लिए लेता हूँ। अब स्क्रीन के ऊपर फोकस करना, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है? चलो फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ 25th वाला क्वेश्चन क्या है? आई टू डी, डी टू एफ कॉमा डी टू एम, एम टू के और आर टू एफ। चलो ये आपको दिया गया, ठीक है, ये आपको दिया गया। अब कंक्लूजन, चलो मैं आपको पूछ रहा हूँ कंक्लूजन, चलो मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ वैसे तो, बट फिलहाल क्वेश्चन में जो दिया है वो कंक्लूजन आपको पूछता हूँ। चलो आई टू आर मुझे नहीं जाना है, नॉट इक्वल्स टू, मतलब इक्वल्स टू बराबर नहीं होना चाहिए, तो क्या ये राइट है या रॉन्ग है? ये राइट है या रॉन्ग है? रॉन्ग है क्यों? क्योंकि रॉन्ग कब होता है? अगर कोई भी एक पास हो गया तब राइट हो जाएगा, जैसे आई टू डी, डी टू एम, एम सॉरी आई टू डी, डी टू एफ और एफ टू आर। देखो आपको इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है क्योंकि जरूरी है कि मुझे कहां से कहां जाना है। जैसे आई अगर मैं डी के पास लेकर चला जाऊं, डी को मैं एफ के पास लेकर चला जाऊं, तो एफ मुझे आर के पास पहुंचा देगा, बराबर है? तो इसलिए कहां से कहां आपको जाना है ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो देखो आई डी के पास पहुंच जा रहा है, डी एफ के पास पहुंच जा रहा है, एफ आर के पास पहुंच जा रहा है, इसका मतलब ये राइट है। मैंने क्या कहा कि नॉट इक्वल्स टू राइट कब होता है? जब कोई बंदा किसी के पास पहुंच जाए इजीली, या तो ए बी के पास चला जाए या तो बी ए के पास चला जाए, कोई भी अगर किसी के पास पास हो गया ना तो ये जो है वो आपका राइट हो जाएगा, समझ रहे हो? तो मैंने आई को आर के पास जो है वो पहुंचा दिया राइट। क्या क्या फिर से बोलो, आपका वॉइस ब्रेक हो गया। हेलो, हाँ बोलो बोलो बोलो। तीन सिंबल अलग डी डी से एफ और एफ से आर। चलो एक काम करता हूँ फिर, मैं इसको सिंगल लाइन में लिखता हूँ, ठीक है? सिंगल लाइन में लिखता हूँ, जैसे कि आई टू डी है, हाँ डी टू एफ है और एफ से आर है, यही सिंबल है राइट है, यही सिंबल है, है ना? इन तीनों के बीच, इन दोनों के बीच में यही सिंबल यूज हुआ है ना? Yes. अब देखो मुझे एक बात बताओ, ये इजीली पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, मतलब ये इक्वल्स टू हो सकता है, ये दोनों इक्वल्स टू हो सकता है क्या? बराबर हो सकता है, मतलब इसको ऐसे बोलो कि आई आर से बड़ा ही होगा ना? हाँ. आई जो है आर से बड़ा होगा, मतलब ये इक्वल्स टू तो कभी नहीं हो सकता, तो इसीलिए ये वाला कंक्लूजन राइट है आपका। देखो आई अगर आर से बड़ा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आर अगर आई से बड़ा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस दोनों बराबर नहीं होने चाहिए,
दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, ठीक है? चलो आई टू के जा रहा है क्या वो? यस सर। आई टू के जा रहे, चलो चेक कर लेते हैं। अब बताओ कहाँ से कहाँ जाओगे आप? सबसे पहले कहाँ से कहाँ जाओगे? आई से डी, डी से एफ, डी से एफ नहीं, डी से एम जाऊंगा मैं, क्योंकि अगर मैं एफ के पास पहुंच गया ना तो फिर खत्म हो गई बात। आई से डी, डी से एम, और एम से किधर जाऊंगा मैं? के पे जाऊंगा, ठीक है? तो इसीलिए आपको कंफ्यूज हो रहा है कि आप कौन सा दरवाजा इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे इसमें ये वाला डोर इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है, इसका नेट क्यों चल रहा है, ठीक है ना? आपको ये वाला डोर जो है इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे आप नहीं जाना। आपको आई से डी जाना है, डी आपको एम के पास लेकर जाएगा और एम आपको के पास लेकर जाएगा, ठीक है? यस सर। अभी भी कंफ्यूजन है क्या? तो मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि कौन सा दरवाजा इस्तेमाल करना है वो पहले सोच लो, क्योंकि देखो अगर डी से अगर आप एफ तक चले जाते ना तो एफ आपको आर के पास लेकर जाता और आर आपको के पास कभी नहीं लेकर जाएगा, इसलिए ये दोनों दरवाजे जो है वो गलत है, आप इस्तेमाल ही नहीं करना है उनको। चलो सपोज अगर मैंने आपको इसमें पूछ लिया, एक सेकेंड। अच्छा आप क्वेश्चन नंबर 26 देख रहे हो? 26 देख रहे हो? वन मिनट। चलो कोई नहीं, मैं लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ 26 में लिख देता हूँ। चलो ये देख लो, मैंने लिख दिया यहाँ पे। चलो कंक्लूजन है डी टू एफ और बी टू डब्लू। चलो बताओ राइट है कि रॉन्ग है दोनों? डी टू एफ। हाँ डी टू एफ। अब आपको डी देखो, एक ही डी दिख रहा है और एक ही एफ दिख रहा है आपको। चलो लेकर जाओ, कहाँ से कहाँ लेकर जाओगे आप? D2C के बाद K2F के पहले आप C2K भी तो जाओगे है ना? अभी आप C के ऊपर पहुंचे ना, D से आप C के ऊपर पहुंचे ना, तो आपको फिर उसके लिए ये भी तो जरूरी है कि करके ये आपका सी के पास पहुंच जाए, फिर के आपको एफ के पास लेकर जाएगा ना, बराबर है? समझ गए अगर मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ओके चलो ठीक है। तो ये पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है? डी जो है सी के पास पहुंच गया, सी जो है के पास पहुंच गया, के जो है एफ के पास पहुंच गया, तो पहुंच तो गया वो। यस सर, पास हो रहा है। पास हो गया ना? देखो जैसे डी जो है वो सी के पास चला गया, सी जो है वो के पास चला गया, के जो है वो एफ के पास चला गया, तो ये तो एकदम राइट है, मतलब ये वाला कंक्लूजन राइट है आपका। कोई नहीं, आराम से देखो, कोई रश करने की जरूरत नहीं, आराम से देखो, समझ में आ जाएगा। चलो B to W ये पास हो रहा है कि नहीं, राइट है कि रॉन्ग है? B से C। तो पहले आप B to C जाओगे, फिर उसके बाद कब कहाँ पे जाओगे? C to K जाओगे, फिर उसके बाद K to W। चलो ये तीन जगह पे जाओगे, तो अब मुझे बताओ कि आप जा पा रहे हो क्या, पास हो पा रहे हो क्या? अब डोर चेक करो,
क्या बी टू सी जा रहा है? जा रहा है। बी टू सी देखो ना, मुंह बंद है इधर, नहीं जा रहा। तो यहीं पर ये रॉन्ग हो गया ना, है ना? तो थोड़ा सा ध्यान से सर, मुझे काम कोई नहीं समझ रहा है। क्या नहीं समझ में आ रहा है? कहां से कहां जाना है वही नहीं समझ रहा है। जैसे ये इस केस में सेकंड वाले कंक्लूजन में बी है, बी के तरफ मुंह खुला हुआ है, तो बी को जाना है डब्ल्यू के पास,